हाँ चलो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनली बन चुका है और हमने एक बॉल पे इसे डेकोरेट कर दिया है। जो हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा है टेस्ट। बहुत टेस्टी बनाया हमने, बताया था ना हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में एग भुर्जी बनाया है। कम इंग्रेडिएंट्स में भी बहुत टेस्टी है, इट्स सो यम्मी। वाओ फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अंडा का भुर्जी। अंडा का भुर्जी कैसा बनता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक कढ़ाई पे हम लोग तेल डाल दिए हैं, ठीक। फिर उसके बाद अभी हमारा तेल भी गर्म हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। ये जो अंडा का भुर्जी है बहुत सिंपल, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है ये। जब आप घर पे अकेले हैं, आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ये सिंपल चीज बना सकते हैं और घर पे ज्यादा सामान नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे प्याज रखा हुआ है। हम लोग प्याज ना अंडा के भुर्जी में ज्यादा डालते हैं क्योंकि ज्यादा प्याज डालने से अच्छा लगता है। और टमाटर है और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, बस इतने तीन इंग्रेडिएंट्स में ही हम अंडा का भुर्जी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल टेस्टी, जिनको कुकिंग नहीं आती उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। तो थोड़ी सी हम जीरा डाल देते हैं। हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तेल भी गर्म हो चुका है, हम इसमें थोड़ी सी जीरा डालेंगे। जीरा इसलिए डालेंगे क्योंकि थोड़ा दिखने में भी थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, इतना कम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ी सी जीरा डाल दिए। हाँ, जीरा डालने के बाद हम ये ऑनियन डाल देते हैं जो हमने बारीक काटी हुई है। फ्लेम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसे हम ब्राउन होते तक तेल में मिक्स चलाएंगे। चलो हमारे पास ये मीठा नीम का पत्ता भी है, मेरा भाई अभी लाके दिए है मुझे, ये भी डाल लो करके। तो मैं ये भी डाल लेती हूँ, लेकिन थोड़ी देर में डालेंगे इसको, ठीक है। देख सकते हैं ये थोड़ा ब्राउनिश कलर हो गया है। अब इसके बाद हम ये जो कटी मिर्च है, कटी हुई हरी मिर्च, ये डाल देंगे। हमारे पास ये कुछ मीठे नीम के पत्ते हैं जिसको करी लीफ बोलते हैं, ये भी हम डाल देंगे साथ में। एक्चुअली ये फर्स्ट में डालना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अभी भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको बता दूं, ये जो करी लीफ है ना, ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विटामिन ई से हमको मिल सकता है। कई लोग इसका पाउडर बना के भी खाते हैं, हेयर अच्छे रहते हैं, इससे हेयर ग्रो होता है अच्छे से, ठीक है। तो मैंने आपको खाना बनाते हुए बहुत सारे हेल्थ टिप्स भी दे दिए। चलो इसके बाद हम ये टोमेटो डाल देते हैं जिसको हमने बारीक काटा हुआ है। थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं
उसके बाद हम बाकी चीज डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर भी पकने लगा है। हमको जब ये भुंजी बनाते हैं ना, हमको टमाटर ज्यादा नहीं पकाने हैं। देखो थोड़ा कच्चा दिख रहा है, ऐसे ही रखना है। फिर इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालना है, ये डाल दिया हमने। फिर इसके बाद थोड़ा सा हल्दी, हल्दी डाल दिए हम। इसमें हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कहा है हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आपको बना के दिखाएंगे, इसलिए हम ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डालेंगे। बस नमक और हल्दी डाला है इसमें, प्याज टमाटर मिर्ची और करी लीव। ये आप देख सकते कितना प्यारा कलर दिख रहा है, रंग बिरंगा सा है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हम एग डालेंगे जो हमने ये फोड़ के रखा हुआ है। तो इसको हम पहले थोड़ा सा ऐसे स्पून करके मिक्स कर लेंगे ताकि कढ़ाई में जब हम डालें तो अलग अलग सा ना हो, इसलिए हम यहाँ पे ही मिक्स कर लेंगे। देखो कितने अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। देखो हो गया। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं इसको। देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये। जो पहली बार कुकिंग कर रहे हैं उनको बता दो, अंडा ना कभी जलता नहीं है, ऐसे कढ़ाई पे चिपक जाता है, उसको हमको ऐसे करके निकालना रहता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, कलरफुल ग्रीन येलो रेड हर कलर इसमें है। देख सकते हैं अभी हम इसको ये गैस का जो फ्लेम है उसको लो कर देंगे और थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे, अच्छे से पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये देखो बन चुका है हमारा अंडा का भुर्जी। आप चाहे तो इसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि इसको बड़े बड़े ही रखो, इसलिए हमने बड़े बड़े रखे हुए हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये। वैसे एग भुर्जी बनाना बहुत इजी है, लेकिन हमारे जो एग भुर्जी का खासियत क्या है कि हम यहाँ पे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स, बहुत कम मसाले यूज किए हैं। मतलब मसाले तो हमने यूज किया ही नहीं है, बस नमक और हल्दी हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो वो खासियत है इस भुर्जी का। और आप देख भी सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। ये देखो हमारा एक भुर्जी बन ही गया है, दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं। वैसे तो एग भुर्जी सभी बना सकते हैं, बहुत इजी है, लेकिन हमारा जो एग भुर्जी है उसका खासियत ये है कि इसमें हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं और मसाले तो हमने ना के बराबर ही यूज किए हैं, बस हल्दी और नमक हमने इसमें यूज किया है। तो आप कम इंग्रेडिएंट्स में कितने अच्छे एग का भुर्जी और कम समय में कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमारा वीडियो फॉलो कर सकते हैं।